देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। धनतेरस यानी धन का त्यौहार। हिंदुओं में इस त्यौहार का बड़ा महत्व है। धनतेरस के पर्व पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। हालांकि इस शुभ अवसर पर कुछ चीजों का खरीदना बहुत ही अशुभ भी है। धनतेरस के अवसर पर अलाइव 24 आपको बताएगा कि आखिर किन चीजों को खरीदने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। देखिए हमारी पेशकश। धनतेरस के दिन भूल कर भी लोहे की बनी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहा खरीदना बहुत अशुभ माना जाता है। इसे आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। धनतेरस के दिन ग्रह नक्षत्रों को सही रखने के लिए कांच या फिर कांच की बनी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही ऐसे बर्तन खरीदने चाहिए जो एल्युमिनियम से बने हों। इन्हें भी धनतेरस में खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कोई भी काली रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन बहुत से लोग बर्तन खरीदते हैं। ध्यान रखें कि आप जो बर्तन खरीद कर घर ला रहे हैं उसे खाली ना लाएं। खरीदे गए बर्तनों में पानी या फिर अनाज डाल लें, तभी उनको घर लाएं। वहीं धनतेरस के दिन तेल, रिफाइंड घी जैसी ऑयली चीजों को भी खरीदना अशुभ माना जाता है। इसे आप कुछ दिन पहले ही खरीद लें, क्योंकि आपको धनतेरस के दिन दीपक जलाने होते हैं। अलाइव 24 की पूरी टीम की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही खास स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।